देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ नीलू सिंह, मंडल अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा, महाराजगंज जनपद रायबरेली। राम नरेश रावत, भाजपा विधायक, बुछरावा जिला रायबरेली की ओर से रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चुनाव के तुरंत बाद चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात करें और चाहे पार्टी कार्यकर्ताओं की, इनमें शिथिलता आ जाती है। चाहे वह जीती हुई ही पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता क्यों ना हो, चुनाव की थकान सभी को होती है। लेकिन 2019 चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ सीटों से विजयश्री हासिल कर उत्साह से लबरेज बीजेपी के जिन प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के गढ़ को ढहाने की शुरुआत कर दी है, जिसका जीता जागता सबूत सोमवार को शिवगढ़ की ग्रामसभा पिपरी में देखने को मिला, जहां कांग्रेस पार्टी के 50 सेकंड अधिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया को बीच मझधार में छोड़ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। शिवगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिपरी के भवनपुर गांव में वरिष्ठ भाजपा नेता नंद किशोर तिवारी के आवास पर भाजपा का विशाल सदस्यता समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिव मोहन सिंह, राजू शुक्ला, विजय सिंह, रमेश कुमार त्रिवेदी, घनश्याम, विश्राम दास, शिव बहादुर, काशी प्रसाद, रामचरण सहित लगभग 50 कांग्रेसियों एवं 500 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुरेश तिवारी, विशिष्ट अतिथि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी सुधीर हलवासिया व वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। भाजपा शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत वरिष्ठ भाजपा नेता नंद किशोर तिवारी के आवास पर एक विशाल सदस्यता समारोह का भव्य आयोजन किया गया। आइए देखते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता रजनीकांत अवस्थी की यह रिपोर्ट। राम नरेश रावत, बीजेपी विधायक, बछरावा रायबरेली। सत्येंद्र प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख, महाराजगंज रायबरेली की ओर से आपको रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो रायबरेली सुरेश जी है, मैं तो आप ही का हूँ। माननीय हलवासिया जी प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस जिले के राय प्रभारी भी हैं, और उन्होंने कहा अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि है, प्रभारी होने के नाते दायित्व का निर्वहन किया, इसलिए आपका आग्रह करता हूँ। और हमारे क्षेत्रीय सम्मानित अध्यक्ष कई बार विधायक रहे लखनऊ से, और इस समय क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, और हम लोगों को ऐसा लगता है जब आप आ जाते हैं कोई गार्जियन आ गया है, ऐसे माननीय सुरेश तिवारी जी, शशि भदौरिया जी, आदरणीय जय नारायण शुक्ला जी, जिले के सीनियर नेता, पदाधिकारियों, आज का अभियान नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए के द्वारा किया गया अभियान सदस्यता अभियान है। हम सब अपेक्षा करते हैं आज के दिन भारतीय जनता पार्टी में हम अपनी सदस्यता लेकर के भारतीय संस्कृति के प्रति आभार व्यक्त करेंगे और भारत माता के प्रति अपना आभार होगा। हम सबसे अपील करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने का काम करें। धारा 370 जो कि भारत पर एक कलंक की तरह था। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम सदस्यता अभियान के लिए है। हम आप सबसे अपील करते हैं कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके उस एक बड़े राजनीतिक दल में प्रवेश करें जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इससे बड़ा राजनीतिक दल आज की तारीख में दुनिया में कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और क्यों हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, वो छोटी सी बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 19वीं शताब्दी अंग्रेजों की थी, जब हमारा देश गुलाम था। उदय से अस्त तक अंग्रेजों का राज था, उनके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था। उसे हमारे भारत के नौजवानों ने उनके राज को उखाड़ कर फेंकने का काम किया और बलिदान दिया था, उसमें आप सबका सहयोग रहा था। 19वीं शताब्दी अंग्रेजों की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, और अब 21वीं शताब्दी भारत की होगी,
जब उस पार्टी के आप सदस्य बनेंगे, अपना योगदान देंगे, अपना पूरा सहयोग करेंगे। अब अखंड भारत की परिकल्पना, जो भारत का नक्शा था, धारा 370 और 35 ए हटा करके नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उन्होंने कहा था ये 56 इंच का सीना है, 56 इंच के सीने ने ये सिद्ध कर दिया कि हम भारत के शुद्ध रूप से नागरिक हैं और भारत की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। जहां हुए शहीद मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, वो सारे का सारा 370 धारा हटाकर 5 अगस्त के दिन पूर्ण करने का काम किया नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और सारे नेताओं ने मिलकर के ये साहस दिखाया। आज की तारीख में हम इतनी ही बात कहकर के आप सबका अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं अपने लखनऊ से आए दोनों महान भावों का, दोनों अपने नेताओं का। उन्होंने इस तपती धूप में भी हम कार्यकर्ताओं के साथ में पूरा समय दिया है। मेरा आग्रह है कि अपना मोबाइल निकाल लो, मोबाइल जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अपना मोबाइल निकाल रहे हैं, मोबाइल में नंबर आप डायल करें।